अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना टॉपिक शुरू करेंगे 13.2, और इसमें है हमारे पास इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। तो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, और इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये इक्वेशन पढ़ेंगे और वो मैं डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा इस फिज़िक्स को आपकी आम डे लाइफ से, यानी जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जो आप चीज़ें देखते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, उससे रिलेट कराता हूँ। तो आज मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने देखा है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी बसेस होती हैं या कार्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े साइड मिरर्स क्यों दिए हुए होते हैं? अगर देखा जाए तो उन साइड मिरर से गाड़ी का लुक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो साइड मिरर दिए हुए होते हैं। अगर आप गलती से, मतलब गाड़ी तेज़ चल रही है, हाईवे पर है और ट्रैफिक भी है थोड़ा, तो अगर आप गलती से जो है वो ड्राइवर के करीब बैठे हुए, यानी सबसे आगे वाली सीट पे बैठे हुए, ड्राइवर बैठा हुआ है और उसके सामने यहाँ बैठे हुए, तो आप गलती से आगे की तरफ जो झुकते हैं तो ड्राइवर फौरन गुस्सा करता है, कहता है साइड में हो, क्यों ऐसा करता है वो? तो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा, मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त तो कोई भी लॉजिक नहीं था दिमाग में कि ऐसा क्यों कहते हैं वो, भाई हम मिरर ही तो है सामने। तो उसकी क्या वजह होती है आज पढ़ेंगे और आज जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखो, सबसे पहले आप समझ लो कि लेंसेस होते क्या हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके दो तरीके के मिरर पढ़ाए जाएंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह होता है। अब ये क्या करता है, ये आने वाली तमाम लाइट्स को एक पॉइंट पर फोकस कराता है, ठीक है, आने वाली तमाम लाइट्स को एक पॉइंट पर फोकस करा रहा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले ये लेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन आती है वो सीधी चली आती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, तमाम लाइट को, तमाम चीज़ों को एक तरफ जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करा रहा होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर करके बना देता हूँ। तो ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट आएगी, ये क्या करेगा, एक पॉइंट पर इसे मर्ज करेगा, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस आपके पास इस तरह का होता है, इस तरह का जो शेप वाला लेंस होता है ये आपके पास होता है कॉनकेव लेंस, या कॉनकेव भी पढ़ा जा रहा होता है इसे, तो मैं जो है इसे कॉनकेव लेंस पढ़ूंगा। तो ये जो है वो जब यू लाइट आती है तो ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, यानी एक पॉइंट पे फोकस कराता है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर पे जब लाइट आती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो जब ऑप्टिकल सेंटर, इससे इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट गुजरती है तो वो सीधी चली जाती है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के अलावा अगर इसमें से लाइट गुजरती है तो वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसी को मिरर कहा जा रहा होगा यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये आपके पास, और ये हो गया आपके पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये दो तरह के यहाँ पर आपको जो है वो लेंस ये पढ़ाएंगे। अब देखिए, दोनों लेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो। अच्छा, इसे आप कॉन्वेक्स मिरर भी कह सकते हो और कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, आप चाहो तो इसे मिरर भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। आपके पास जो है वो, यहाँ पर मैंने तरीक़ेकार बता दिया कि एक जो है वो कन्वर्ज करेगा, यानी कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं उसको एक पॉइंट पे फोकस कराएगा, और उसके अलावा जो आपके पास कॉनकेव लेंस होगा वो जो है वो क्या करेगा, वो आपके पास ये जो लाइट्स आ रही होंगी इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, यानी फैला देगा। तो कन्वेक्स लेंस को पहचानने का क्या तरीका है कि ये जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके निकला हुआ होता है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना दिया हुआ, हाफ स्फेरिकल मिरर जिसे कहेंगे हम, और ये जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचानोगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को, ठीक है। अब इसको करता हूँ मैं रिमूव, और जो टॉपिक हमने समझना है उसे समझते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले ये इसीलिए समझा दिया क्योंकि इसके बगैर आपके पास आगे ये नहीं बढ़ेगा काम, ठीक है। अब आ जाओ, जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं।
जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसे समझते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ फिगर 13.2, उसके अंदर आपको जो है वो टोटल इन्होंने जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिगर्स दिए हुए। अब 6 फिगर्स ये इन्होंने क्यों दिए हुए, इसको टेबल से भी एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हो क्या काम रहा है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या, आपके पास जो कि गोल होता है, आप अंदर की तरफ गोल है या बाहर की तरफ गोल है वो मैंने आपको बता दिया। अगर बाहर की तरफ गोल है तो वो कॉन्वेक्स है, अगर वो बाहर की तरफ गोल हुआ हुआ है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर वो अंदर की तरफ गोल हुआ हुआ है तो वो कनकेव है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसी को स्पेरिकल मिरर कहा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डू यू नो हाउ द इमेज आर फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, आर द इमेज रियल और वर्चुअल, आर दे डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, छोटी इमेज बनना, हैव द सेम साइज, सेम साइज यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बन जाए तो वो सेम साइज होती है, और इन लार्ज यानी बड़ी इमेज बनना। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो इमेज बनती है कॉन्केव लेंस की मदद से, ये जो है वो डिपेंड करती है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे उसी के हिसाब से इमेज बड़ी या छोटी बनेगी। यानी ये कहना चाहता हूँ कि इमेज का बड़ा या छोटा बनना, इरेक्ट या इन्वर्टेड बनना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को आप 2F यानी C पे रखोगे तो इमेज भी जो है वो C पर ही बनेगी। अब वो चीज़ यहाँ पर हम इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो हमेशा याद रखना कि जो ये जो इमेज बनती है इसका साइज और इसका जो है वो उल्टा होना या सीधा होना डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ रखी गई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि लेंस किस तरह की है, नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, कॉन्केव लेंस में अलग और कॉन्वेक्स लेंस में अलग। ठीक है, द रे डायग्राम इलस्ट्रेट। अच्छा, रे डायग्राम क्या होती है, ये जो लाइनें बनाई जाती है ना ये रे डायग्राम होती है। और देखो इमेज जब बनती है जब दो लाइन्स आपस में आके मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है कॉन्वेक्स से टकराई और कॉन्वेक्स से टकरा कर इधर आ गई, और ये एक लाइन है जो कि सीधी इधर आके मिली, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे होंगे। तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर जो है वो दो पॉइंट्स आके मिलते हैं, और ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की रे बनाकर इसे बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम, ठीक है, इसे कहा जाता है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम आपसे जब भी कोई पूछे क्या होता है कि ये जो रेस बनाते हैं हम डायग्राम में, इसे कहा जाता है रे डायग्राम। अच्छा, अब आ जाओ पढ़ते हैं। इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो इमेज जो है वो कॉन्वेक्स की मदद से भी बनती है लेकिन उसका अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्केव से जो बनती है उसका अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब दोनों में रेस ही बनाई जाती हैं लेकिन इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसको ये नहीं समझना कि सिर्फ कनकेव पढ़ लिया तो कॉन्वेक्स भी सेम है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसके इमेज उल्टा सीधे बनने में उसमें थोड़ा सा चीज़ें फ़र्क आती हैं। उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ली जाती है कॉन्वेक्स की और इसकी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ क्या होती है वो मैं आगे इन डिटेल एक डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले ये आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो टेबल 11, वो जो आपको इन्होंने टेबल दिया हुआ 11.1 उसको देखो और उसकी मदद से फिर इमेजेस देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस तरह की इमेज बन रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आके आपको पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो टेबल 13.1 में, थोड़ा सा इसे पढ़ भी देता हूँ। यू कैन सी इन द रे डायग्राम दैट द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी। तो वही मैंने आपको बात बताई कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इससे डिपेंड करेगा कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी, सीधी बनेगी या उल्टी। ठीक है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कभी भी लेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे पीछे करोगे इमेज बड़ी छोटी बनती रहेगी। अच्छा, अब सबसे पहले टेबल में देखो, वो कह रहे हैं कि द समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज गिवन फॉर योर रेफरेंस इन टेबल 13.1। तो टेबल 13.1 देखो, तो देखो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले बता रहे पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे, अच्छा टेबल देख लिया, अब डायग्राम देखो 13.1 में, ये वाली डायग्राम देखो। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये वाली डायग्राम देखो, मैं इसको फोकस कर देता हूँ। ठीक है, आई होप फोकस हो गया।
तो ये जो सबसे ऊपर आपको डायग्राम इन्होंने दी हुई है, ये फोकस हो नहीं रहा है, तो जो सबसे ऊपर इन्होंने डायग्राम दी हुई है ए, वो देखो 13.2 में जो ए डायग्राम देखी दी हुई है वो देखो। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, वो इन्फिनिटी पे रखा गया है। अब इन्फिनिटी से मुराद ये नहीं होता कि दुनिया के बाहर रखा हुआ है या स्पेस में रखा हुआ है, नहीं, इन्फिनिटी से मुराद ये है कि बहुत दूर रखा हुआ है। आपके पास जो ये लेंस होता है ना, ये लेंस याद रखना, ये लेंस होता है, और लेंस, काफ़ी देर से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि मैं जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से नीचे जा रही है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है एक लेंस, अब इसका एक फोकल लेंथ होती है और फिर एक 2f होती है, ठीक है, फोकल लेंथ का डबल, और यहाँ भी वही सिस्टम होता है, यहाँ इसकी एक f होती है, ठीक है, और फिर इसका होती है 2f। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है इस 2f के बाद रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी पर रखा होना, ठीक है, याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाद रखा होता है उसे बोलते हैं इन्फिनिटी पर रखा होना। अब देखें यहाँ पर जो डायग्राम बनाई है ना, उसमें इन्होंने ये 2f को c कहा है, 2f को c कहा है, ठीक है, 2f को इन्होंने 2f नहीं कहा, c कहा है, तो 2f ये वाला पॉइंट है, f ये वाला पॉइंट है, और जो मिरर बनाया है ना, वो कॉन्वेक्स नहीं बनाया है, कॉनकेव बनाया है, कॉनकेव बनाया यानी ऐसे करके बनाया है, ऐसे करके बनाया, ऐसे करके मिरर बनाया इन्होंने। तो ये आपका मिरर आ गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो इस लेंस का या इस मिरर का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इस चैप्टर का नाम भी ऑप्टिकल है, ऑप्टिक्स है। अच्छा देखो भाई, मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी से बहुत पहले रखा हुआ है तो इमेज जो है वो आपकी एफ पे बन रही होगी, एफ पे बनेगी, ठीक है, एफ पे इमेज बनेगी। अच्छा इसमें जो इमेज बनती है ना, वो सेम साइड पर बनती है, कॉन्वेक्स में दूसरी साइड पर बनती है, लेकिन इस पर जो इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है ना वो यहां पर बन रही होगी, यहां पर इमेज बन रही होगी, ठीक है, तो इमेज आपकी कहां बन रही होगी, एफ के ऊपर बन रही होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज आपकी फोकल लेंथ पे बनेगी, एफ पे बनेगी। अब इसी तरह से दूसरे में कह रहे हो, और अच्छा ये इमेज किस तरह की होगी, हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटी होगी, ये तो मैंने काफी बड़ी बना दी, ये बहुत छोटी इमेज होगी। अब वो रेस कैसे आ रही होंगी, रेस मैं आपको बता देता हूँ, रेस आप इसमें ड्रॉ भी की हुई है इन्होंने, मैं एक की रेस बता देता हूँ कि ये रेस यूं आ रही होगी, ठीक है, ये यूं करके रेस आएगी और फिर इससे टकराएगी ऐसे करके, और फिर यहाँ से रे आएगी, ठीक है, यहाँ से रे आएगी, इससे लगेगी और फिर इससे टकराएगी। तो जब दोनों रेस टकराएंगी तो वो एक इमेज बनाएगी, और इस इमेज को कहा जाएगा ए स्लैश और बी स्लैश, ठीक है, ए स्लैश बी स्लैश इस इमेज को कहा जा रहा होगा। एफ को मैं थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ, यहाँ पर मैं बी स्लैश लिख रहा हूँ, बी स्लैश से मुराद क्या है कि ये इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये आई होप इसको आपको विजिबल हुई है, तो इस तरह से ये इमेज बनेगी, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है। और फिर वो एंगल्स बनाए हुए हैं, तो एंगल्स को मैं डिटेल में बता दूंगा कि पीछे भी मैंने बता दिया था कि इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होता है। तो जब ये आके टकराएगा तो वो जो एंगल टकराते वक्त जो एंगल होगा आपका, वो इंसिडेंट एंगल होगा आई, और जो टकराने के बाद एंगल होगा वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा आर। अच्छा इसको जो है ना वो थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ आर, ठीक है, और वो नॉर्मल बनाकर हमें वो एंगल जो है वो मिलेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा बैक भी कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ी सी रफ बनी है क्योंकि काफ़ी जगह मेरे पास कम है, तो वो मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा अब देखते हैं कि इमेज हमारे पास सी पे रखी हुई है यानी एफ पे रखा हुआ है, तो जब आप इमेज को जो है सी पे रखोगे यानी 2f पे रखोगे तो इमेज भी, यानी ऑब्जेक्ट अगर आप 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बन जाएगी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो, सबसे पहले हमारे पास बियॉन्ड वाला केस है कि पीछे रखा हुआ है, मतलब टू सी के थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, करीब है सी के, ज़्यादा दूर नहीं रखा हुआ है, इतना दूर नहीं है कि फ्रेम से बाहर चले गए, इतना दूर है कि फ्रेम के अंदर है लेकिन सी के पीछे है, तो अगर आप सी के पीछे रखोगे तो इमेज जो है वो इधर बनेगी, एफ और सी के दरमियान में बनेगी, ठीक है, ये हमेशा यही सीन रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा ये इमेज जो होगी वो छोटी होगी, डिमिनिश यानी छोटी साइज़ की होगी। डायग्राम देखो, डायग्राम आपके पास है सी, तो इमेज आप उस पर देखो बी है, बी उसमें इमेज देखो सी के पीछे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे रखा हुआ है, इमेज जो है वो उल्टी बन रही है लेकिन सी और एफ के दरमियान बन रही है,
ठीक है, पेज चल रहा होगा, दोनों पेज चला दूंगा एक साथ ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर सी पे इमेज रखो, सी पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो इमेज भी सी पे ही बन जाएगी, यानी लाइन टकरा कर वापस सी पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो होगी वो सेम साइज़ की इमेज बनेगी, यानी जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा ना वही साइज़ आपके पास इमेज का भी आ रहा होगा, और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल मतलब जो इमेज है ना वो रियल रियल बन रही होगी, मतलब वर्चुअल नहीं होगी, रियल होगी, और इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी। अच्छा, अब जो है आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो सी और एफ के दरमियान, सी और एफ के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज जो है वो आपकी, देख लो किधर बन रहा है, इमेज जो है वो आपकी सी के पीछे बनेगी, इमेज जो है वो आपकी सी के पीछे बनेगी डी, लेकिन ये बड़ी इमेज बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के दरमियान में ला के रख दोगे तो इमेज आपकी जो है वो सी के पीछे बनेगी, तो ये आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और ये लार्ज होगी, इन लार्ज यानी बड़ी इमेज बन रही होगी, और रियल होगी मगर उल्टी होगी, ठीक है, मतलब उल्टा नज़र आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट सीधा होगा लेकिन इमेज उल्टी दिख रही होगी आपको। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज ऐसी नज़र आ रही होगी, ये होगा सीधा ऑब्जेक्ट लेकिन इमेज उल्टी नज़र आ रही होगी। अगर एफ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे ना तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर लाइनें पीछे आ जाएंगी कि इमेज फिर इन्फिनिटी पे बनने लगेगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उस पे रख दोगे, फोकल लेंथ पे रख दोगे, पी पे रख दोगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है वो लेंस के सामने बनेगी, यहाँ पर बनेगी, लेंस के सामने यहाँ पर बनेगी, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दोगे पी पर, ठीक है। तो ये टेबल था, मैंने इस टेबल को एक्सप्लेन कर दिया। अब इस टेबल की मदद से, मतलब एक डायग्राम आपको यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, मिरर फार्मूला जिसे कहते हैं इसको, ये जो फार्मूला है ना ये आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिख के दिया हुआ है असल में इन्होंने, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, 1/f। इसकी डेरिवेशन जो है ना वो करेंगे हम फर्स्ट ईयर के अंदर करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ऐसे भी लिख सकते हो या चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f इक्वल टू 1/q प्लस 1/p, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो फार्मूला है ना वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्केव मिरर के लिए क्या होगा कि ये एफ जो है वो माइनस में आएगा और साथ ही साथ क्यू माइनस में आएगा, ये कॉन्केव मिरर के लिए ऐसा होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव में होता है। तो ये जो आपको मिरर इक्वेशन दी हुई है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए दी हुई है, कॉन्केव के लिए नहीं दी हुई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये जो डायग्राम बना के दी हुई है ना उन्होंने 13.3, इसको डिटेल में पढ़ता हूँ और इसको डिटेल में बनाता हूँ। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, सारे के सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक में इसी फॉर्मूले से होने हैं और यही बेसिक फार्मूला है आपको। तो यहाँ पर मेरा असल में ये था कि अगर ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव को डिफाइन करते पहले तो ज़्यादा बेहतर रहता, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन डिफाइन करते तो और अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव को डिफाइन करने के बजाय डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन को डिफाइन कर दिया, तो जिस वजह से शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में बता रहा हूँ तो इससे जो प्रॉब्लम है मुझे उम्मीद है नहीं होगी आपको। देखो भाई, सबसे पहले तो ये मिरर कौन सा है ये पहचानो, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रहा है कि कर्व जो है वो अंदर की तरफ है तो ये कनकेव मिरर है, इसको अगर मैं पूरा बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, अगर मैं इस मिरर को पूरा कर दूं तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये इसकी है फोकल लेंथ, सॉरी ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर बेहतर बना, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन इधर जा रही होगी, लेकिन ये कनकेव मिरर है तो इसलिए ये वाली लाइन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामने वाली लाइन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक लाइन जो है वो इसमें ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये रही हमारे पास, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल लेंथ तक का जो डिस्टेंस होता है, याद रखना, उसे बोलते हो आप स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, जहाँ पर कैपिटल एफ डिनोट कर रहे हैं वहाँ कैपिटल एफ लिख लो, तो यहाँ इस कैपिटल एफ से डिनोट किया तो मैं भी कैपिटल एफ लिखता हूँ, वैसे तो फॉर्मूले में स्मॉल एफ लिखा गया। अच्छा, अब इस एफ का जो डबल होता है उसे कहा जाता है 2f, लेकिन यहाँ पर 2f नहीं लिखा गया, इसे सी लिखा गया है, सी, तो मैं भी इसे सी लिख देता हूँ। आप अगर फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ोगे तो ये सी नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ये 2f लिखा होगा,
इस फोकल लेंथ का डबल होता है 2f, यानी इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस और यहां पर कवर हो जाए तो वो 2f बन जाता है, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा था कि अगर इमेज जो है वो C और F के ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के दरमियान हो, ये ऑब्जेक्ट है आपका A और B। अब ये A और B क्या है, ये हाइट है इसकी, ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट, ये A पॉइंट को डिनोट कर रहा है और B पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था केस C, देखो केस C में यही बात अभी हमने पढ़ी थी, केस C नहीं बल्कि केस D, केस डी में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और सी के दरमियान हो तो इमेज जो है वो बियॉन्ड बनेगी सी के, सी के पीछे बनेगी। तो अब इसमें रेस किस तरह से आती है, रेस सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास ए से एक रे निकलती है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है पी। अभी इसी चीज़ को मैं पढ़ भी दूंगा, लिखा हुआ भी है बडिंग में, पहले डायग्राम से समझ लो ताकि हमेशा याद रहे। तो इसे कहा जाता है पी। अब इमेज बनती कैसे है ये देख लो सबसे पहले। तो ये आपके पास जो यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन है, ये जाती है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर से वैसे तो ये लाइन आगे निकल जाती है, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, तो वो लाइन क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर बैक आती है। इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही साफ सुथरा बनाना होगा ताकि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आप लोगों को समझना है। तो ये क्या होती है, ये लाइन रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है पीछे की तरफ, ये सी आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एफ आ गया, ये आपका F आ गया, ये आपका C आ गया। तो ये लाइन क्या होती है, ये पीछे की तरफ आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर। अब इमेज नहीं बन सकती ऐसे, एक लाइन से इमेज नहीं बनेगी, आपको दो दो रेस चाहिए होंगी इमेज बनाने के लिए। अब क्या होता है, B से एक और रे निकलती है, मतलब A से ही एक और रे निकलती है जो जाकर यहाँ पर टकराती है और इससे आकर मिलती है, तो इमेज बन जाती है। मतलब एक और रे निकली, यहाँ से टकराई। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये ऑप्टिकल सेंटर के अलावा रे निकलेगी ना तो ये डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज यानी अपना रास्ता बदलती है, तो ये इधर से आके टकराएगी, ठीक है। अब लाइनें टेढ़ी बन रही हैं, उसकी वजह ये है कि बोट भी हिल रहा है और मेरा हाथ भी हिल रहा है, ठीक है, लाइनें सीधी बनाता हूँ। चलो ये सीधी बन गई और इसको भी सीधी कर देता हूँ लाइन को, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, दो लाइनें मिल गई, तो ये इन दोनों लाइनों के मिलने से एक इमेज बनेगी और जो कि बड़ी इमेज होगी, बड़ी लार्ज इन साइज होगी, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब ये जो इमेज बनी है ना, इसको आप बोलोगे ए स्लैश, इसको आप बोलोगे ए स्लैश और बी स्लैश, ए स्लैश बी स्लैश, ठीक है, और इसका हाइट जो है वो एच, यानी कितनी बड़ी इमेज बन रही है वो उसकी हाइट होती है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इस तरह से एक इमेज आपकी जो है वो बनेगी कि एक रे यूं निकली। अच्छा, ये रे थोड़ी सीधी आएगी, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया इस रे को, इस रे को थोड़ा सा सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस रे को सीधा बना दिया, ठीक है, अब सीधी बन गई ये रे। तो आई थिंक अब बहुत हद तक ये रे लाइन सीधी होगी, ये इसको लग के सीधी आएगी, तो ये आपके पास क्या होगा, एक इमेज बना लेगी, ठीक है। अब इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं क्यू, उसे बोलते हैं क्यू, मतलब क्यू वाला नहीं, क्यू नहीं कि क्यों, ये वाला क्यू है, अल्फ़ाबेट वाला क्यू। तो इस तरह से आपके पास एक जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका तो वही पी है, पी पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट, ठीक है, और ये इतने जो डिस्टेंस कवर किया इसे डी कह दो। तो ये है आपके पास रे इक्वेशन, रे डायग्राम, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन एफ नेगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव लेंथ की हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, इसमें गलत लिखी हुई है एक पॉइंट, और क्यू भी नेगेटिव में क्योंकि इमेज जो है वो सेम साइड पे बन गई है और ऑब्जेक्ट रियल है तो पी पॉजिटिव में। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, फोकल लेंथ नेगेटिव में, आप इंटरनेट पर जाके ये लिखना फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तो वो आपको नेगेटिव में फोकल लेंथ दिखाएगा और इमेज भी आपको नेगेटिव में मिलेगी।
और इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, बड़ी यानी देखो इसके साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, इन लार्ज इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, और साथ ही साथ जो है वो बड़ी इमेज बन रही है और उल्टी बन रही है, उल्टी। यही चीज आपको टेबल में लिख के भी दी हुई थी कि रियल होगी, इन लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, तो यही काम यहाँ पर हुआ है। डायग्राम में तो शायद जो बुक में बनी हुई उसमें इतना अच्छा समझ ना आ रहा हो, लेकिन इधर आपको ये बात समझ में आ रही, तो बिल्कुल इसी तरह की डायग्राम ये बनी हुई है। अच्छा, ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है 90 के, ठीक है, ये 90 के एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल से हम स्टडी करते हैं, वो आगे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में करेंगे, यहाँ स्टडी नहीं करना। तो इस चीज़ को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया आपके लिए, इसको पूरी डायग्राम को बेहतरीन तरीके से यहाँ ड्रॉ कर दिया और तमाम चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कुछ ऐसा नहीं होगा जो इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम को। अब इसको रिमूव करके इसका न्यूमेरिकल है वो करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है उसको सही कर लो, ठीक है, बुक में एक चीज़ गलत लिखी हुई है उसे सही कर लो। अब आप बोलोगे सर आप बुक को गलत कह रहे हो, बुक को गलत नहीं कह रहा हूँ, बुक में चीज़ गलत लिखी हुई है। यहाँ पर एक बात इन्होंने लिखी है डेट ऑल डिस्टेंस पी एफ एन क्यू आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पी एस एन ओरिजन। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजन लेते हैं और उसी से फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बना के दिखाया था, ठीक है, उसी से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ गलत लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि कनकेव लेंस मिरर, अ कनकेव मिरर हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये गलत है, अ कनकेव मिरर हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। ये मैंने पढ़ रखा है, बहुत बार इसे देख रखा है, तो ये सही है कि नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की, पॉजिटिव फोकल लेंथ नहीं होती। वाइल अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ, ये गलत है, पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो इसको सही करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको लिख के दिया हुआ है। अच्छा देखो, अब यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई भी है कि इन्होंने कनकेव मिरर का जिक्र किया है लेकिन इक्वेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। मैं यहाँ पर बता दूंगा, यहाँ भी एक मिस्टेक है कि इन्होंने जिक्र तो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर का किया है लेकिन इक्वेशन कॉन्वेक्स मिरर की ले ली है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो सेम साइड पे बन रही है तो वो भी नेगेटिव में आती है, लेकिन अब यहाँ इन्होंने लिया हुआ है तो मैं इसी के मुताबिक करा रहा हूँ, लेकिन जो जो करेक्शन हो सकती है वो करेक्शन करा देता हूँ। तो गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड क्या करना है। तो गिवन डेटा में कहते हैं कि अ कनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज बन रही है। अच्छा, इमेज रियल बन रही है तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉजिटिव पी ले लिया है। तो 25, तो इमेज मैंने बताया था, इमेज को आप लिखते हो क्यू से, 25.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेकर मत जाना क्योंकि हम सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करते हैं मिरर के अंदर, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस होते हैं। फ्रॉम द मिरर सर्फेस अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या, ऑप्टिकल सेंटर को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, ठीक है, ये खाता पीता कनकेव मिरर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहाँ पर इमेज बन रही है उस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, क्यू। अब इसको ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, एक ही बात है, आप वर्डिंग में कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से शुरू करते हो और जहाँ तक वो इमेज बनती है वहाँ तक लेके जाते हो, तो ये आपको दिया हुआ है क्यू, ठीक है। तो ऐसे क्यों लिखना, पी नहीं लिखना। अच्छा, पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब कहते हैं कि इफ़ द कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी साथ ही साथ जो ताल्लुक रखता है उससे ऑब्जेक्ट इज एंड, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पी है, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 10.0 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, ये नेगेटिव में आनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने यहाँ पॉजिटिव में दी हुई है। फोकल लेंथ क्या होगी ये बता दो, तो ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/f = 1/q + 1/p, तो ये नेगेटिव में आनी चाहिए थी f, लेकिन यहाँ इन्होंने इसे पॉजिटिव में रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तो 1/f ही लिखे रहने देते हैं, p क्या दिया हुआ है, 1/25। अच्छा, उसके बाद P जो है वो तो आपको 10 दिया हुआ है, Q दिया हुआ 25, ठीक है, 1/10
10 लिखेंगे हम। अच्छा, 1 अपॉन क्यों लिख रहे हैं? 1 क्योंकि ये फॉर्मूले में 1 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एफ अब निकालते हैं, तो एलसीएम ले लो, ये 10 हो गया, ये प्लस 25 हो गया, और ये आपस में क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से कर लेता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास आ रहा 250। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 35 और ये हो गया 250। अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, इनको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो एफ आपके पास ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे 250 35, ठीक है, क्योंकि आपने 1/f नहीं, एफ पता करना है सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है, देखें 10 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है, लेकिन वो 10 और 25 को ये 2 और वो कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने 1/10 लिया है, सही है, 1/10, तो ये इसकी कैलकुलेशन की भी कभी मिस्टेक नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कर दो, 250 को डिवाइड करा दो 35 से, तो आपके पास आंसर आएगा 507, ठीक है, 507 आ रहा है आपके पास, 507। अच्छा, अब 507 को अगर आप रेशो में करके लिखोगे, क्योंकि इन्होंने आंसर रेशो में ही दिया हुआ है आपको, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 507 रेशो में आ रहा है, 7.14 और नेगेटिव में आएगा, ठीक है आंसर, और सेंटीमीटर में भी आ रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। वैसे यहाँ पर एक मिस्टेक और है कि क्यू भी नेगेटिव में आना चाहिए था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इमेज रियल है, लेकिन फिर भी वर्चुअल इमेज होती, सही है, रियल इमेज का है इन्होंने, ठीक है, सही है, रियल क्यू नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि इमेज रियल का है। अगर इमेज वर्चुअल कहते तो इमेज में, तो फिर मैं क्यू नेगेटिव में ले लेता, ठीक है, मुझे रियल इमेज कह रहे हैं तो मैं पॉजिटिव ही रख रहा हूँ। यहाँ पर और भी 2-3 मिस्टेक थी, मैं उसे ठीक करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो देखें, यहाँ पर एक मुझे छोटी सी मिस्टेक और नज़र आ रही है कि 1/10 लिखा था इन्होंने, और फिर उस 1/10 को इन्होंने 5 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये 1/10 5 से कैसे डिनोट हुआ, यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है कि वो 25 होना चाहिए था, 25 प्लस 10 होना चाहिए था ना एलसीएम के मुताबिक, लेकिन वो उन्होंने 5 को अलग लिख दिया, 2 को अलग लिख दिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई भी है, लेकिन फिर आगे कैलकुलेशन को सही कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, इन्होंने अब मुझे समझ में आया क्या काम किया है, नहीं ये वो काम भी नहीं किया इन्होंने, मैं समझा कि सेंटीमीटर को शायद मीटर में ले गए हो, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में भी नहीं लेके गए, तो ये किस तरह की मिस्टेक है इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल, वैसे तो ये इस तरह से करना है जैसे मैंने करा है, इसको फॉलो मत करना बुक को, ठीक है। इसकी अगर करेक्ट, इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा अगर मुझे मिला ज़रूरी। तो ये जो है वो फोकल लेंथ आ रही है आपके पास, और ये फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आपके पास नेगेटिव होती है, पॉजिटिव आप इसको नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। आई थिंक मुझे पता क्या लग रहा है, इन्होंने इसका एलसीएम लिया डायरेक्ट, मतलब यहाँ तक इन्होंने इसका एलसीएम लिया था, और फिर वो 7 और 5 को अलग अलग कर दिया, 7, 5 और 2 को अलग अलग कर दिया, ये काम करा इन्होंने। मतलब फॉर एग्जांपल हमने अभी इसका यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं किया ना, मतलब आप चाहो तो ये दोनों, ये जो है 250 और 35, ये दोनों एक टेबल पे आते हैं और वो 5 के टेबल पे आते हैं। 250 कितने पे आता है 5 के टेबल में, 50 पे आता है, और 35 कितने पर आता है 5 के टेबल में, 7 पर आता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, 5 और 2 को अलग कर दिया, 50 को मल्टीप्लाई रखा, तो ये कह लो इस तरह किया इन्होंने। लेकिन जो हमने सोल्यूशन किया वो बिल्कुल सिंपलेस्ट भी है, समझ में आने वाला भी, और तरीक़ेकार से भी किया है, ठीक है, आंसर तो पर सेम ही आ रहा है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं सेल्फ के कैसे हो रहा है, यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर। अच्छा देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो, स्पेरिकल मिरर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेफ्टी के लिए ड्राइविंग में। अब कैसे है? वो भी थोड़ी देर पहले मैंने शुरू में बताई थी बात के साइड मिरर। देखो, साइड मिरर में लगाया जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे पता चलता है कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, अगर आप हाथ लगाओ तो वो गोल गोल नज़र आ रहा होता है, वो बाहर की तरफ मिरर निकला हुआ होता है। अच्छा, जो आपके घरों में लगे होते हैं ना मिरर, जिसमें आप अपनी शक्लें देखते हैं या हम अपनी जो शक्ल देखते हैं, तो वो मिरर ना कॉन्वेक्स होता है ना कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट मिरर होता है, फ्लैट। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये दोनों फ्लैट नहीं होते हैं,
कॉन्वेक्स जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कॉनकेव अंदर की तरफ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के बताया था कि कॉन्वेक्स ऐसे होता है और कॉनकेव अंदर की तरफ होता है। अगर इसको मुकम्मल करोगे तो ऐसे होगा, मुकम्मल करोगे तो ऐसे होगा। आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रहे हैं वो, और कॉन्वेक्स का भी सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ से मैं ये काट रहा हूँ दोनों मिरर को बीच में से, और ये एक पूरे मिरर को काट के निकलता है। तो इसको जो है वो यूज़ कहाँ करते हैं, इन मिरर्स को यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए। स्फेरिकल मिरर हैव वेरियस एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ सच एज सनग्लासेस। अच्छा, सनग्लासेस यानी ये जो हमारे आंखों के अंदर जो ग्लासेस लगे हैं, मतलब आंखों के अंदर नहीं, जो चश्मे में ग्लासेस लगे हैं, ये मैं हाथ करके दिखता हूँ, ये है कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो मैंने अपने ग्लास चेक कर लिया। रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर क्या होता है, वो गाड़ियों में साइड मिरर लगे होते हैं ना, जो यूँ ड्राइवर देख रहे होते हैं, इस तरफ देख रहे होते हैं। अच्छा, तो मैंने उस वक्त ये बात बोली थी कि अगर आप एकदम से मिरर के सामने आ जाओ ड्राइवर बहुत गुस्सा होता है। अब क्यों, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है और तेज़ चल रही है, अगर आप आगे की सीट पर बैठे हुए हो, बिल्कुल सबसे आगे वाली सीट पर, सबसे आगे ड्राइवर के सामने एक सीट होती है, सबसे आगे उधर बैठे हुए, और अगर आप मिरर के सामने आ गए तो ड्राइवर को व्यू आना बंद हो जाएगा आपके आने से, और खुदा ना खास्ता उसने गाड़ी कोई बराबर में चलती हुई चीज़ को ना लग जाए, क्योंकि ड्राइवर ऐसे पलट के नहीं देखता कि कौन सी गाड़ी आ रही है, ड्राइवर जो है ना यूँ देखता है सामने की तरफ कि कौन सी गाड़ी इसके बराबर में चल रही है। तो अगर उसको व्यू नहीं मिलेगा ना अपने बराबर का, जो कि शीशे के जरिए से उसे दिख रहा होता है, तो अगर डायग्राम देखो यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम बनी हुई है, तो इसको बराबर में व्यू नज़र आ रहा होता है, जो कि आपको नज़र नहीं आता क्योंकि आप ऐसे एंगल पर बैठे होते हो कि सही से आपको व्यू पीछे नहीं दिख रहा होता, लेकिन उसको व्यू पूरा दिख रहा होता है बराबर में। तो जैसे ही आप सामने आ जाते हो वो दिखना बंद हो जाता है, और खुदा ना खास्ता उसी वक्त कोई गाड़ी या कोई बाइक वाला आ जाए तो वो गाड़ी के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कभी भी गाड़ी में बैठे हैं तो कभी भी मिरर के सामने ना बैठें, और ना खुद जानबूझ के आएँ, चाहे ड्राइवर बोले या ना बोले, आप खुद भी ऐसा ना करें, क्योंकि गलती से अगर आप मिरर के सामने आ गए तो वो क्या होगा, उसको व्यू आना बंद हो जाएगा, और उसके लिए और आपके लिए सबके लिए मुश्किल हो जाएंगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, गाड़ी में जब भी बैठें मिरर अगर आपको नज़र आ रहा है कि मिरर टूट गया है या मिरर गिर रहा है तो आप बता दें। ठीक है, अभी मैं भी गिर जाता। ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द वीडियो जो फ़ोन आ रहे होते हैं मुझे, वो मैं अक्सर नहीं पिक करता हूँ क्योंकि पढ़ा रहा होता हूँ, तो अभी भी मुझे कॉल आ रही है तो मैं वो पिक नहीं कर पा रहा होता हूँ। ठीक है, तो फिर लेकिन इंशाल्लाह बाद में आपको कर लेता हूँ पिक। अच्छा, तो साइड रेयर व्यू मिरर, वही जो धुमे निकली हुई होते हैं, जो कान निकले होते हैं ना गाड़ी के, उसी को कहते हैं, गाड़ी के जो कान निकले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा चोरी भी हो रहे हैं आजकल, तो उन्हीं को कहते हैं साइड व्यू मिरर या शेविंग मिरर। या लेट अस डिस्कस वन ऑफ द एप्लीकेशन गिवन बिलो। अब ये जो मिरर होते हैं ना, जो गाड़ी के साइड व्यू में लगे होते हैं, या जो साइड मिरर होते हैं, ये होते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्केव नहीं होते, कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा व्यू दे रहे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं बड़ा व्यू दे रहे होते हैं और छोटी इमेज करके दिखा रहे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन यूज एज रेयर व्यू, रेयर व्यू मिरर भी कहते हैं उसे, और विंग मिरर, विंग यानी वो जो पर निकले हुए होते हैं गाड़ी के छोटे छोटे से दुम करके वो, या इन व्हीकल्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर ही देख, ड्राइवर के देखने के लिए होते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं शायद वो बाल बनाने के लिए लगाए हुए मिरर, तो भाई बाल बनाने के लिए बाहर क्यों लगाएंगे मिरर, अंदर अंदर मिरर लगाएंगे। अच्छा, एक मिरर जो है ना वो सामने भी लगा होता है ड्राइवर के बिल्कुल ऊपर, लेकिन वो छोटी गाड़ियों में होता है, बड़ी गाड़ियों में नहीं होता, क्योंकि छोटी गाड़ियों में पीछे का व्यू आने के लिए होता है वो, बड़ी गाड़ियों में तो पीछे लोग बैठे होते हैं, क्या व्यू आएगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ियों में भी कहीं वो लगे हुए होते हैं मिरर। अब गाड़ी में बैठेंगे ना, चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स, ऑन द ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक बिहाइंड देम फॉर सेफ ड्राइविंग। तो समझ में आ गया ना कि वो मिरर उधर ही क्यों लगे हुए होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे क्यों नहीं लगे हुए होते, क्योंकि वहाँ पर वो ड्राइवर आराम से देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूँ गाड़ी सामने चला रहा है, ठीक है, अब उसको ज़रूरत पड़ी कि बराबर में उसे मोड़ना है, तो वो ऐसे ही तो नहीं मोड़ लेगा ना, क्योंकि उसे तो नहीं पता बराबर में कौन सी गाड़ी चल रही है, क्या पता खुदा ना खास्ता कोई बराबर में गाड़ी हो और उसने यूँ मोड़ा, वो तो बेचारे गाड़ी के नीचे आ जाएंगे सबके सब। तो वो पहले देखता है कि बराबर में कोई गाड़ी तो नहीं चल रही है, और फिर वो इंडिकेटर देता है, फिर मोड़ना शुरू करता है। अब इसी तरह से इस तरफ मोड़ना है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि यूँ गर्दन बाहर निकल के देखेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं देखेगा, वो यूँ मिरर देखेगा, सामने जो उसके मिरर है ना वो देखेगा, क्योंकि ड्राइवर को सामने भी देखना है, इधर भी देखना है, इस तरफ भी देखना है, और पीछे भी चारों तरफ देखना होता है। तो वो क्या करेगा, मिरर देखेगा, अगर पीछे कोई नहीं है तो इंडिकेटर देके गाड़ी मोड़ना शुरू कर देगा। तो अब जब गाड़ी में बैठे तो इस चीज़ को देखिएगा। और कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखना, कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स इसलिए होता है ताकि वो नजर आए। अब यहाँ पर एक इन्होंने टर्म इस्तेमाल की है ब्लाइंड रोड की, मैं पढ़ भी देता हूँ। मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड द रिफ्लेक्ट द लाइट आउटवर्ड अलाउिंग द ड्राइवर व्यू ऑफ मच लार्जर एरिया ऑफ द फील्ड बिहाइंड देम। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, आउटवर्ड निकला हुआ होता है, देखो बाहर निकला हुआ है ना,
और ये इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है कंकेव मिरर। अच्छा, अब एक इन्होंने टर्म इस्तेमाल की है, इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया वो मैं पढ़ लूँ। हाँ, ये रहा आखिरी की लाइन में लिखा हुआ है, दिस मिरर यूज टू बी प्लेस एट द ब्लाइंड कॉर्नर एंड लोकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड कोलिजन ऑफ व्हीकल्स। तो मैं ऐसे भी रोड्स होते हैं जहाँ पर ड्राइवर को नहीं पता चलता कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम बना के समझाता हूँ, देखो ये रोड है ऐसे जा रहा है, और अब ये रोड ना ऐसे मुड़ रहा है ऐसे, अब यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, अक्सर पहाड़ों पे इस तरह के रोड बने होते हैं, और गाड़ी यहाँ से भी आ रही है, अब यहाँ से भी गाड़ी तेज़ आ रही है वो मुड़ेगी, यहाँ से भी गाड़ी तेज़ आ रही है वो मुड़ेगी। अब ड्राइवर को पता ही नहीं है कि भाई बराबर में गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बीच में तो पहाड़ है या जगह है। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर की मदद से जो गाड़ी यहाँ से आती है ना, उसको व्यू दिख रहा होता है इस वाले रोड का, और जो गाड़ी इस रोड से आ रही होती है उसको व्यू दिख रहा होता है इस वाले रोड का। तो इस तरह के रोड्स को कहा जाता है ब्लाइंड रोड। ब्लाइंड रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों साइड ब्लाइंड कॉर्नर कहा जाता है, सॉरी ब्लाइंड कॉर्नर, या इस तरह भी होते कभी कभार ये रोड, इस तरह भी ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर तो नहीं होते, थोड़ा सा कर्व कर लो, इस तरह से भी होते हैं ये रोड। अब ड्राइवर यूं आ रहा है वो यूं मुड़ेगा, उसको पता ही नहीं है बराबर में कौन सी उस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो मिरर से देखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, ये यूं कर्व बन रहा होता है, यूं कर्व आ रहा होता है, तो ये कर्व की मदद से उसको आगे का तो दिखता है, इस तरफ का दिखता है, लेकिन यहाँ का नहीं दिखता जो यहाँ से गाड़ी आ रही होती है। तो इस तरह के कॉर्नर को कहा जाता है ब्लाइंड कॉर्नर। और इनसे बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, ज़रा से भी टकराएगी एक्सीडेंट तो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इधर एक मिरर लगा देते हैं, तो वो यहाँ वाले ड्राइवर को ये रोड नज़र आ रहा होता है और यहाँ वाले ड्राइवर को वो रोड नज़र आ रहा होता है, और वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। अच्छा, आप कभी गए होंगे डेंटिस्ट के पास, तो वो एक शीशे नुमा चीज़ आपके मुंह में डाल के चेक करता है कि दांत में कोई जम्स या कोई कैविटी तो नहीं हो रही, तो उसमें भी जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, कभी देख लेना। ठीक है, जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ कॉन्केव मिरर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अच्छा, उसमें कॉन्केव नहीं होता, सॉरी उसमें कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉन्केव होता है। ठीक है, कनकेव बोल लो या कॉन्केव बोल लो, कनकेव मिरर होता है उसके अंदर। कनकेव मिरर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट कैन सी द बोथ सी द टूथ क्लियरली एंड डायग्नोस एनी इन्फेक्शन और जम अटैक। तो वो दांत के अंदर लेके जाके देखते हैं, मतलब मुंह के अंदर उसको लेके जाते हैं उस मिरर को, जो कि एक डंडी पे लगा होता है, एक रॉड पे लगा होता है, तो जिससे फिर वो दांत के पीछे का हिस्सा देख पा रहे होते हैं, क्योंकि दांत के पीछे का हिस्सा आप कैसे देखेंगे, कोई बंदा अपना मुंह तो नहीं घुसड़ेगा उसके अंदर अपना। ठीक है, तो इसीलिए वो मिरर के ज़रिए से नज़र आ रहा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है कॉर्नरों पे। ठीक है, वो मैंने देखा भी है एक बार, मैं गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ लगा हुआ था ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, वो मिरर लगा हुआ था पार्किंग की जगह पर, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से। ठीक है, और फिर वो जो डेंटिस्ट जो है वो माउथ के अंदर जो मिरर डालते हैं वो कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स नहीं होता। अब ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। आर द इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर ऑलवेज रियल? तो याद रखना, इसका जवाब लिख लो कि जो इमेज बनती है स्पेरिकल मिरर से वो ऑलवेज रियल नहीं होती, समटाइम डिमिनिश भी हो, समटाइम जो है वो वर्चुअल भी होती है। अब वो वर्चुअल जब होगी, जब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के दरमियान होगा, एफ और पी के दरमियान, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स दैट प्रोड्यूस डिमिनिश इमेज, वाई आर दीज मिरर प्रिफर ओवर प्लेन मिरर? तो इस तरह का मिरर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा देते? तो देखो, प्लेन मिरर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि प्लेन मिरर जो है ना वो छोटा व्यू दे रहा होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो है ना वो चीज़ों को तो छोटा कर देता है लेकिन व्यू बड़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन मिरर लगा दिया ना तो वो थोड़ी सी चीज़ें ही दिखाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वो बड़ा व्यू दिखा रहा होता है, बहुत बड़ा व्यू दिखाता है, ज़्यादा जगह को घेरता है, तो इसीलिए उस मिरर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब भी जो है मैं बोर्ड पे स्क्रीन पे चला दूंगा। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया सेल्फ असेसमेंट के, अब इसके बाद करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी, 40 मिनट तक ये वीडियो चली गई है। आई होप समझ में आ गया होगा, इन डिटेल जाके तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।